ये रोटियां यूं ही नहीं बिंदिया सी बन जाती हैं और ये चावल यूं ही नहीं जुल्फों से खिल जाते हैं। जो मांगो वो टेबल पर यूं ही नहीं सज जाता है। आधी रात को पनीर के पराठे सेंटा क्लॉज नहीं लाता है। ये पूरा घर यूं ही नहीं हमेशा चमचमाता है। यार एक एक सामान अपनी जगह पर नजर आता है। ये दमकते स्त्री की ये कपड़े कहां से आ जाते हैं यार, इतनी पर्टिकुलर, सच में कई बार भेजा घूम जाता है। गमलों को रोज इंद्रदेव नहीं तर कर जाते हैं। राशन का सामान ड्रोन नहीं टपकाते हैं। हरी सब्जियों की खेती किचन में नहीं होती है और बच्चों के होमवर्क तो भगवान भी नहीं कर पाते। इतनी जल्दी पूरा घर कौन सैनिटाइज कर पाता है? अगर वायरस से बचे हैं तो किसको श्रेय जाता है? वो डॉक्टर, वो नर्स, वो मैनेजर, वो सखूबाई, यार उसको कोई नहीं समझ पाता है। लेकिन लॉकडाउन का शुक्रिया। लॉकडाउन ना होता तो क्या हम इस हकीकत को मान पाते? एक मिशलिन स्टार शेफ को पहचान पाते? वो करती रहती करती रहती, हर घर में एक मदर टेरेसा भी रहती है, क्या हम कभी जान पाते? हर घर में एक मदर टेरेसा भी रहती है, क्या हम कभी जान पाते? क्या हम कभी जान पाते? क्या हम कभी जान पाते?